जे सर्व खजाणार दाता अटंते से निराकार शिव बाबा भोलानाथ संगम जुगर प्रत्येक पिलामन को सर्व खजाना सर्व शक्ति सर्व गुण रे संपन्न बनाप आम पिलामन को लक्ष्य भी कोटा ज्ञान सूर्य समान आमर जीवन को बनेवा समस्तंकर लक्ष्य भी रोचे सूर्यवंशी कूल को जीवा किंतु बाबा के लिए जो प्रकार लक्ष्य रखुचंते से प्रकार लक्ष्य को आम जब जीवन रे आनेवा ताहले सहज रे पहुँचे पारेबा। आज तारीख होचे 29 सेप्टेम्बर 2024 मुरली रिवाइज डेट 3 फेब्रुवरी 2002 तो बाबा के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ सर्व खजानों में संपन्न बनो लक्ष्य और लक्षण को समान बनेवा सबूजक संपत्ति रे भरपूर बनी जीवा। आज सर्व खजानों का मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जिस सर्व खजानार मालिक किए अटंते शिव बाबा से निजर पिलामन को देखुचन को प्रकार पिलामने सबूजाक खजणार संपन्न पिलामन जेमते पितार दृष्टि रे प्रत्येक पिला संपन्न अटंते कि कोथरे कम हेले भी बाबा को दृष्टि रे देखुचनते मोर प्रत्येक पिला सबूजाक संपत्ति रे संपन्न भरपूर जो संपन्न होता उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगा। दुनिया रे जो मैंने धनशाली आत्मा धन रे संपन्न अटंते से मानकर जीवन केमते देखा जाउचे भरपूर जीवन खुशहाल जीवन देखा जाउचे सेमते बाबा कहते आमे कोथिरे संपन्न ज्ञान गुण शक्ति रे संपन्न आत्मा तार लक्षण निशाने कोटा आमर जीवन सबूजक प्राप्ति रे भरपूर हवा दरकार तृप्त आत्मा देखा जीवा दरकार जोटी सबू जिनस अच्छे से संतुष्टता देखा जीवो तो सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है जहाँ पाखे भरपूरता अच्छे ता जीवन रे खुशी भी अच्छे तो हर एक अपने से पूछे हमारे पास कितने खजाने जमा है। बाबा तो सर्व खजाना रे संपन्न पिला मन को देखुचन किंतु हमें निजे निज को पचारिबा मो भीतर केतिके खजण जमा अच्छे तो बाबा की अविनाशी खजाना अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेगा। दुनिया रा संपत्ति होचे विनाश्य अटे ए जन्म रे रहिबो कि नहीं गारंटी ना किंतु आत्मा जो अविनाशी खजाना द्वारा भरपूर होचे तार प्राप्ति वर्तमान भी होचे तो भविष्य रे मध्य अनेक जन्म पर्यंत रहिबो। यह खजाना खत्म होने वाला नहीं है। दुनियार संपत्ति नष्ट किंतु सूक्ष्म संपत्ति आत्मार खजाना केवे नष्ट होवार ना। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। सबुठ बड़ खजाना प्रथम खजाना कोटा ज्ञान रूपक संपत्ति जेतरे बाबा को चिन्हिले प्रथम को संपत्ति मिलला ज्ञानर संपत्ति जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का
अनुभव कर रहे हो, जो ज्ञानर संपत्ति द्वारा ए समय रे मध्य मुक्ति आ जीवन मुक्तिर अनुभव करछन। मुक्तिर अर्थ कोटे आत्मा जत परमधाम घरे थिला, बाबा पाखरे थिला, सुख शांति पवित्रता रे भरपूर थिला, संपूर्ण देहरु मुक्त थिला। जीवन मुक्तिर अनुभूति कोटे जोटा कि सत्य युगर वर्णना अटे, जोठे आत्मा शरीर सहित थिला, संबंध संपर्क भितरे थिला, कर्म भी करथुला, किंतु मुक्त स्थिति। तो बाबा के संगम पर ज्ञान का खजाना ये दोनों ही अनुभव कराता है। मुक्तिर भी अनुभव करछन्ते, तो जीवन मुक्तिर भी अनुभव करछन्ते, किंतु तार आधार कोटे बाबार ज्ञान अटे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल फूल समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुखों से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो। तो बाबा के लिए जीवन रे अच्छे पुराणा दुनिया भीतर अच्छे तमो गुणी वायुमंडल भीतर भी अच्छे, किंतु ज्ञानर खजना जोटा मिलीगला तार आधार रे ए सबुजक वायुमंडल वाइब्रेशन ठारो हमें पूरा न्यारा मुक्त स्थितिर अनुभव करछन। तो बाबा जो उदाहरण कार दोचन पद्म फूल समान, आज पद्म फूल कोठे रोचे पंक कादुअ भितर रोचे, किंतु सबुठारो न्यारा अटे। सेमती बाबा कहते जो मैंने ज्ञानर खजन भरपूर आत्मा से मैंने भले पुराणा दुनिया भितर अच्छा तमो प्रधान सृष्टि भितर अच्छा, किंतु दुख चिंता अशांति मुक्त अटंते। आज दुनिया रे प्रत्येक आत्मा समस्ते कौन कहते आमको शांति दरकार सुख दरकार कहते ना, किंतु बाबार पिला मैंने से मागे कौन पे मागे ने ज्ञानर आधार निज को जो आत्मा बोली निश्चित कले मो आत्मार धर्म कोटे सुख शांति प्रेम पवित्रता, ताले सहज रूप से दुख चिंता आउ अशांति मुक्त हो गले। तो जीवन में रहते बुराई के बंधन से मुक्त हो गए, भले शरीर भीतर मो आत्मा अच्छे किंतु जो खराब र बुराई र बंधन अच्छे ताठ पूरा मुक्त हो गले। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो गए, जो व्यर्थ संकल्प चलुला तार ज्ञान मध्य आसीगला। समर्थ संकल्प कोटा व्यर्थ कोटा अटे, जानिला परे व्यर्थ संकल्पर तूफान रो आमे मुक्त हो गले। हे मुक्त बाबा पछा उठन मुक्त हो गले कि कौन कह बाबा को व्यर्थ संकल्प आसना ना, तो सब हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है और प्राप्ति है। तले मुक्ति और जीवन मुक्ति ये ज्ञान रूपक खजनार फल अटे बा प्राप्ति अटे। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते नेगेटिव भी आता है, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और अब ज्ञानी तो आत्माओं का काम क्या है इनसे मुक्त न्यारे और बाबा के प्यारे रहना। बाबा के लिए दुनिया तो तमो प्रधान अटे, व्यर्थ संकल्प तो आसवा का नेगेटिव मध्य आसव, किंतु ज्ञानी आत्मा मानकर निशानी कोटे। ज्ञानर अर्थ हो समझ अटे, आमे जानी देले जदि जानी देले ताले कौन करिबा
व्यर्थ आउ नेगेटिव संकल्प रो निजको मुक्त करे। तो बाबा के मुक्त हो गए, न्यारे बन गए, तो बाबा के प्यारे बन गए। व्यर्थ रो मुक्त हो गले, दुनिया ठू न्यारा बनी गले, आ बाबा ठू स्नेही हो गले। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। ज्ञान र संपत्ति पूरा फुल अच्छे के बाबा कुछ भरपूर अच्छे, कम अच्छे ना संपन्न अच्छे, कौन कहे बाबा को? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना है। बाबा के लिए ज्ञान र संपत्ति यदि कम अच्छे ताको जमा करिबा, खाली रे रखिबा नहीं। वैसे योग का खजाना, प्रथम संपत्ति कोटा थिला ज्ञान र, द्वितीय संपत्ति कोटा मिलला योग र, जिससे सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। जितने बाबा को मने पकोचंते, बाबा से तो बुद्धि योग लगेले, सब जगह शक्ति हमको मिलेगा। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व निज को चेक करिव, मु तो बाबा को मने पकोचे, किंतु बाबर याद द्वारा सब जगह शक्ति जमा अच्छे के, गोटे दीटा शक्ति ना। बाबा के लिए सर्व शक्ति, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। यदि गोटे भी शक्ति कम हो गला तले कौन हब, समय अनुसार में धोखा खाई जीवा। आप सबका टाइटल है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं सर्वशक्तिमान। हम पिला मन को टाइटल कोटा खाली शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। सबुजक शक्तिर संपत्ति आमे योग बल द्वारा जमा करचंते, कि कोनोसी परिस्थिति आसला के किछ हमको एपट सपट कही देला, आमे कुछ नमे सही गले, सहीबा भी गोटे शक्ति अटे। किंतु सहीला परे ताकु जदि 10 जन को सुनेले तले आमो भितरे समय बार शक्ति नै। तो बाबा कले सबु जक शक्ति रे भरपूर हवा दरकार, सहीबा सहित समयबा शक्ति भी धारण करिबा। तो बाबा कले सबु जक शक्ति जदि भरपूर अछे तेबे कही परिबा, मु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान अटे। तो बाबा की भरपूर हो, प्राप्ति स्वरूप हो व कमी है, क्यों अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। बाबा के लिए जदि किसी कमी अच्छे, निजर कमी दुर्बलता को अभी भरपूर करी परिवा, वर्तमान भी बाबा सुजग दोचंते। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। निज को संपन्न करिवार समय बाबा को जो समाप्त हो जीव, निज भीतर कमी रही जीव। तो चेक करो, एक एक शक्ति को सामने ला और सारे दिन की दिनचर्या को चेक करो। बाबा के लिए गुट्टे गुट्टे शक्ति को सामना रे आना, पूरा दिन और दिनचर्या को चेक करो। अगर परसेंटेज कम है फुल पास नहीं कहेंगे। यदि कौनसी शक्ति रो प्रतिशत कम अच्छे तबे फुल पास बोले कुहा जीवन, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है किसी भी बच्चों से पूछते फुल पास होना है या हाफ पास, तो क्या कहेंगे? यदि क्या को पचारिबे को पिल्ला को फुल पास हब ना आधा पास हब, तो कौन कहेंगे फुल पास हवा? तो सभी कहते हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। तो चंद्रवंशी बनेंगे, समस्त लक्ष्य हूँ मत सूर्यवंशी बनवार अच्छे। तो बाबा कुछ चंद्रवंशी हब कि हब चंद्रवंशी नहीं।
तो बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देगा, बनेंगे चंद्रवंशी। बाबा जो चंद्रवंशी हेले मु भल गोटे सिंहासन देवी, तेल चंद्रवंशी हम कि हबानी? बाबा को जो भल सिंहासन देवे ना, हबानी चंद्रवंशी हबानी? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे नहीं बनेंगे? सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है ना। यह तो बाप दादा चिट चाट कर रहा है, बाबा पिला मन को कथावार्ता कर पिला मन को लक्ष्य कोटा अच्छे मत सूर्यवंशी हबार अच्छे। जब सूर्यवंशी बनना है, दृढ़ निश्चय है, तो बाबा से और स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है कि अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। बाबा के लिए यदि सूर्यवंशी बनने बार अच्छे पूरा दृढ़ निश्चय अच्छे, बाबा सहित निज सहित आम प्रतिज्ञा करवा मो भितर कौन सी शक्तिर प्रतिशत जमी कम न हो, सबुजाक शक्ति शहे रु शहे मत हबार अच्छे। तो बाबा की अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं के अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। पिला ने कुछ सब बेल तो ठीक रोचे, किंतु परिस्थिति आसीगला, समस्या आसीगला, सेठी शक्तिटा तार प्रतिशत कम हो जाए। बाबा कहले जदि परसेंटेज कम हो गला आत्मा षोहल कला हो पार, को कला को आस 14 कला को आसीजीव। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल का रजिस्टर चेक कर रहा है। आज बाबा क्या चेकिंग कर पिला मन करो जोटा चार्ट रखुचन पोता मेल देखुचन, तो पोता मेल को आज बाबा चेक कर, तो बाबा कौन देखी थे? पिला मैंने सबुजाक शक्ति भरपूर ना ना भरपूर आम। हाँ, बाबा के बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहा है कि समय की रफ्तार के अनुसार अभी कब नहीं कहो अब कहना चाहिए। बाबा पाखरे प्रत्येक पिला मन कर दिनचर्यर रजिस्टर अच्छे, समय अनुसार बाबा पिला मन को सुनाउछन। समय रो तीव्र गति जल्दी जल्दी चलुछ, बाबा कुछ ए समय रे केबे करिबी बाबा कुछ कोन जोटा करिबो एबे आका कर। एटा बाबा 2002 रे कहिथिले, एबे आमे कोठे पहुँचि गले 2024 सरीबा को जाउछ। तो बाबा के कब नहीं कहो, लेकिन अब कहो, कब हो जाएगा कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो मु तो करी देबे आग को है जीव। बाबा कुछ एमित भाव जोटा करिबो एबे ही कर, होना तो है नहीं अभी अभी करना है, समय की रफ्तार तीव्र हो रही है। इसलिए जो लक्ष्य रखा बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यह चाहता लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समाप्त हो, समान होना चाहिए। ताजे बाबा के लिए समय रो जोटा बेग तीव्र गति रे चलुछ, पिला मन के लक्ष्य कोटा अच्छे मते बाबा समान हबार अच्छे, फुल पास हबार अच्छे, षोहल कलार संपन्न हबार अच्छे। तो बाबा चाहूचंते पिला मन के जोटा लक्ष्य अच्छे प्रैक्टिकल जीवन रे लक्षण भी समान हबा दरकार। तो जब लक्ष्य लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाबा समान सहज बन जाएंगे। जितना हमारा लक्ष्य और लक्षण दुटा जाक समान हो
ସେତେବେଳେ ବାବା ସମାନ ଆମେ ସହଜ ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରୋ, ହୋ ଯାଏଗା ବନ ହି ଯାଏଙ୍ଗେ ୟେ ଅଲବେଲାପନ ହେ, ହେଇଯିବ କରିଦେବି ଆଗକୁ ସବୁଯାକ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବହେଳା ଆଟ। ଯୋ କରନା ହେ, ଯୋ ବନନା ହେ, ଯୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ ଓ ଅଭି ସେ ହି କରନା ହେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବନିବାର ଅଛି, ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କାଲି ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି କେବେ କରିବା, ଏବେ କରିବାର ଅଛି। କଭି ଶବ୍ଦ ନେଇ ଲଗାଓ, ଅଭି ଅଭି ହି କରନା ହେ। ତୋ ଜ୍ଞାନ କା ଖଜାନା, ଯୋଗ କା ଖଜାନା, ଅର୍ ଭି ଧାରଣା କା ଖଜାନା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ, ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯୋଗ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଧାରଣା ଆଟ। ଧାରଣାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଖଜଣା ଆଟେ। ଜିସସେ ଗୁଣ କା ଖଜାନା ଜମା ହୋ ଯାତା ହେ, ଏ ଧାରଣା ରୂପକ ଖଜଣା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଯାଉଛେ। ଗୁଣ ମେ ଭି ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିଆ ହେ, ବି ସେ ସର୍ବଗୁଣ ଭି, ଯେମିତି ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି ସେମିତି ସବୁଯାକ ଗୁଣର ଧାରଣା ଦରକାର। ସିର୍ଫ ଗୁଣ ନାହିଁ ସର୍ବଗୁଣ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଗୁଣ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସର୍ବଗୁଣରେ ଭରପୁର ହେବାର ଅଛେ। ତୋ ସର୍ବଗୁଣ ହେ ୟା ସୋଚତେ ହୋ, ଏକ ଦୋ ଗୁଣ କମ୍ ହୁଆ ତୋ କ୍ୟା ହୁଆ ଚଲେଗା। ସବୁଯାକ ଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଅଛେ ନା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୁଣ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା କି ନେହିଁ ଚଲେଗା। ସର୍ବଗୁଣ କା ଖଜାନା ଜମା ହେ, କୌଣ ସି ଗୁଣ କି କମି ହେ ଉସକୋ ଚେକ୍ କରିକି ଭରପୁର ହୋଯା। ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଗୁଣର କମି ଅଛେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେକ୍ କର, ଚେକ୍ କରିକି ତାକୁ ଭରପୁର କରିଦିଅ। ଚୌଥୀ ବାଥେ ସେବା, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କେଉଁଟା ସେବା ଅଟେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଖଜଣା ଜମା ହେଉଛି, ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ବି ଦେଲେ, ବାବାର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଖଜଣା ଜମା ହେଲେ। ବାବା କି ସେବା ଦ୍ୱାରା ସଭିକୁ ଅନୁଭବ ହେ, ଜବ ବି ମନସା ସେବା ୟା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବି ସେବା କରତେ ତୋ ଉସକି ପ୍ରାପ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ମିଳତି ହେ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ସେବା କରୁଛୁ, ଚାହେ ମନ ଦ୍ୱାରା କର, ଚାହେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା କର, ଚାହେ କର୍ମଣା ଦ୍ୱାରା କର, ସେବା କଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ମିଳିଯାଉଛି। ତୋ ଚେକ୍ କର, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କି ଅନୁଭୂତି କାହା ତକ୍ କି, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗର ସେବା କି ଖୁସି ନେହିଁ ହୁଏ, ଓ ସେବା ଯଥାର୍ଥ ସେବା ନେଇ, ଆମେ ସେବା କଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେଲାନି। ବାବା କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ସେବା ନା, ସେବା ମେ କୋଇ ନା କୋଇ କମି ହେ ଇସଲି ଖୁସି ନେଇ ମିଳତି। ବାବା କହିଲେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଖୁସି ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ସେବାରେ କିଛି କମି ଅଛି। ସେବା କା ଅର୍ଥ ହେ ଆତ୍ମା ଅପ୍ନିକୁ ଖୁସନୁମା, ଖିଲା ହୁଆ ରୁହାନି ଗୁଲାବ, ଖୁସି କି ଝୁଲେ ମେ ଝୁଲେ ବାଲା ଅନୁଭବ କରେଗି। ସେବାର ଅର୍ଥ କେଉଁଟା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେବା କରିବ ସେ ଜୀବନରେ ଖୁସନୁମା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି କରିବ। ଯେମିତି ଫୁଟିଥିବା ରୁହାନି ଫୁଲ ଗୁଲାବ ଫୁଲ ସମାନ ତାର ଜୀବନ ବନିଯିବ, ଆଉ ଖୁସିର ଝୁଲାରେ ସେ ଝୁଲିବାର ଅନୁଭୂତି କରିବ। କି ଅନୁଭୂତି କରିବ, ଯେ ସେବା କରୁଛେ। ତ ଚେକ୍ କର, ସାରେ ଦିନ ସେବା କି, ଲେକିନ୍ ସାରେ ଦିନ କି ସେବା କି ତୁଳନା ମେ ଇତନି ଖୁସି ହୁଏ। ସାରା ଦିନ ଯାକ ଆମେ ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେବା ଯେତିକି କଲେ
तार तुलन से खुशी अनुभूति है कि यह सोच विचार ही चलता रहा, यह नहीं थे यह नहीं था। बाबा कहले खुशी अनुभूति है ना केवल चिंतन का चलला एमती है सेमती है एमती नथिला। तो बाबा की आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, तो वायुमंडल भी तो खुश हो जाए ना। काकू जदि ब्रह्मा भोजन बनवार सेवा मिल से जदि यथार्थ रूप से सेवा कला बाबार याद रे रही की सेवा कला ताले कौन हम से भोजन रे भी शक्ति मिलीगला। से भोजन जो मैंने खाइबे से मानको खुशी मिलीगला। जो मैंने सहयोगी सेवा साथी अच्छे से मानको खुशी मिलूचे। तो बाबा कहे यथार्थ सेवा द्वारा केते जन को ऊपर प्रभाव पड़े, एक तो सेवा स्थान पर, द्वितीय रे सेवा साथी ऊपर, तृतीय रे जो आत्मार सेवा करछंते से आत्मा ऊपर प्रभाव पड़े, आ पूरा वायुमंडल खुश हो जाउचे। यह ही सेवा का खजाना खुशी मिलती है। तले सेवार खजाना रे कौन प्राप्त हला खुशी मिली हला। और बात चार सब्जेक्ट तो आ ही गई, चारटा सब्जेक्ट तो आसीगला ना, कोटा कोटा आसला ज्ञान योग धारणा सेवा, तापरे कोटा अच्छे संबंध संपर्क, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है। कितने पिला कोचन बाबा मोर तो आपण को से तो ठीक रूप से यथार्थ संबंध अच्छे, परिवार से तो अच्छे कि न अच्छे से कौन अच्छे। तो बाबा की क्या हर्जा है, बीज से तो है ही, बीज के परमात्मा अटंते, पूरा वृक्ष होचे सृष्टि अटे। तो कितने पिला कौन मंजी से तो मोर कनेक्शन अच्छे, गच्छ से तो नले चलिबो। तो बाबा के आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। सत्य युग रे हमको विश्व रे राज्य करिवार अच्छे, आम राजति का उपरे करिवा संबंध तो दरकार ना। तो बाबा के लिए राज्य रे संबंध भीतर आसीबार अच्छे, इसलिए संबंध संपर्क में आना है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता दुआएं। तो बाबा के लिए संबंध संपर्क भीतर आसिले ताद्वारा को संपत्ति मिलेब, आशीर्वाद संपत्ति। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। यदि का सहित कथबार्ता हवानी, का सहित संबंध संपर्क भीतर आसवानी, तले आशीर्वाद संपत्ति जमा हवानी। माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। शिव बाबार तो आशीर्वाद अच्छे, मात पितार आशीर्वाद अच्छे, किंतु अन्य आत्मा मन को संबंध संपर्क आसिले समस्त आशीर्वाद भी मिली जीव। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती है, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। बाबा कहले जदि आशीर्वाद मिलूनी ताहले कमी कोठी अच्छे संबंध संपर्क भीतर। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। यदि यथार्थ रूप से समस्त सहित संबंध संपर्क ठीक अच्छे तले आशीर्वाद तो अनुभूति हवा दरकार। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यह होगा कि स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा।
आमे सेवा करछंती जदि आशीर्वाद रो अनुभूति हला तार निशा निकट निजे संबंध संपर्क रे आसिले भी कार्य कले भी आमर स्थिति पूरा हल्का रहिबो बोझ नहीं महसूस करेगा। जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा। जहाँ संबंध संपर्क रे आसिले से आत्मा भी डबल हल्कार अनुभव कर केतल अनुभूति हम आशीर्वाद रूपक संपत्ति द्वारा अनुभव करेगा। ये संबंध में सदा हल्का है अर्थात इजी है भारी नहीं रहेगा। तो बाबा के लिए भले संबंध संपर्क रे आसंत किंतु आशीर्वाद संपत्ति जदि जमा अच्छे से आत्मा हल्कार अनुभूति कर इजीर अनुभूति कर बोझर अनुभूति हेनी संबंध में आओ नहीं आओ लेकिन दुआई मिलने का कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। संबंध संपर्क भितर आसवा हमको आशीर्वाद मध्य नवार अच्छे किंतु मर्यादा प्रमाण बाबा कहे से कभी इजी हबन जोटा ठीक नुह जन को खुशी करने जदि आम राजी ही गले से हाँ करदे आशीर्वाद मिले बोले बाबा को जो मर्यादा प्रमाण खुशी ना बाबा कहे आशीर्वाद जमा कर किंतु मर्यादा प्रमाण जोटा कि श्रीमत भितर रिसे कहावत है ना ज्यादा मीठे पर चींटियाँ बहुत आती है। जमती कहावत कौटा अच्छे बेसी मीठा थे पिंपुड़ी मैंने बेसी आसवे सेमती बाबा को जो संबंध संपर्क आसव समस्त आशीर्वाद को जमा करार अच्छे किंतु जी भूल कर्म करे से संतुष्ट करार ना जे से आत्मा तो मत आशीर्वाद मिलजि बाबा जो मर्यादा के ढिला हबन तो बाबा की इतना इजी भी नहीं लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते अपने खजाने को चेक करो समय दे रहे हैं अभी तो समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है इसलिए चेक करो और बढ़ाते चलो। प्रत्येक खजाना को चेक कर बाबा समय भी दौरान समाप्ति रो बोर्ड लगे बाबा को जन चेक करके प्रत्येक खजाना को बढ़ाओ। बाबा केबे कहते 2002 साल एबे तो समय तो आउरी पाखापाखी को पहुँच गले इसलिए बाबा ने कहा बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना। तो बाप दादा समझते कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए बाबा रा प्रत्येक पिला प्रति स्नेह अच्छे से बाबा कौन भावुंत मोर गोटे संतान भी किए पक्षर न रही जाओ हरेक बच्चा आगे से आगे जाए चलते चलते देह अभिमान आ जाता है सोमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण क्या बाबा कहे देह अभिमान का कारण कौटा देह अभिमान के तले आसे सोमान में कमी हो जाती है जोटा आत्मार मान अटे सोमान अटे से कमी आसीगले देह अभिमान आस जाए। देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है एक ही शब्द है वो जानते भी हो। देह अभिमान आसवर गोटे मात्र शब्द से शब्द को आम जानते कौटा अटे देह अभिमान गोटे शब्द कौटा तो बाबा की देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है मैं। अच्छा कितनी बारी मैं करते हो बाबा के लिए दिन जाक भितरे कितने थर मु करछ कौन कह बाबा को करछन ना करना मु कारण रु ही देह अभिमान आसे तो सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते कभी नोट किया दिन जाक भितर मु केते थर मु शब्द कोच
बाबा को जन केबे नोट कर चुकी। अच्छा एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है लेकिन मैं कौन हूँ। पहला पाठ है मैं कौन हूँ, प्रथम पाठ हो मुख्य अटे आत्मा अटे। जब देह अभिमान में मैं कहते हो लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन, आत्मा या देह हूँ। वास्तव में मुख्य अटे आत्मा अटे। आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? आत्मा देह को धारण करचे ना देह आत्मा को धारण करचे? किए का को धारण करचे? के जन कौच ना मोर आत्मा बोले मु आत्मा ने ना ना मु देह मु आत्मा को धारण करचे ना एमते नहीं। तो बाबा की क्या हुआ, आत्मा ने देह धारण की ठीक है ना, आत्मा शरीर को धारण करचे एटा तो ठीक अटे। तो आत्मा ने देह धारण की तो मैं कौन हूँ? यदि आत्मा शरीर को धारण करचे ताले मु की अटे आत्मा हूँ। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो यह याद करो मैं कौन सी आत्मा हूँ। जितने मुँह कौचंते मुँह शब्द को कौचंते सिर्फ मन पकेवा दरकार मु को प्रकार आत्मा अटे। आत्मा निराकार है और देह तो साकार है, तो निराकार आत्मा ने साकार देह को धारण की। तो जितनी बारी मैं शब्द बोलते उतना समय यह याद करो मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जितने थर मु शब्द कहते सेते थर मन रख मु निराकार आत्मा साकार शरीर भितर प्रवेश करचे। जब निराकारी स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः ही हो जाएंगे। जितने निराकारी स्थिति आसीजीव निरअहंकारी स्थिति ऑटोमेटिक है जीव, तो देहवान खत्म हो जाएगा। तो पहला पाठ मैं कौन हूँ यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। निराकारी स्थिति को आने पर सब बड़ी मने कोटा रखीब मु आत्मा अटे, मु शरीर को धारण करीचे किंतु मु को प्रकार आत्मा अटे। यदि बारंबार तक चिंतन करचंते तादर निराकारी स्थिति पक्का ही जीव। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरअहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है। बाबा के लिए काली ठू नहीं आज ठू नोट करियो। कौन नोट करेगा? जितने मु शब्द कहते कोटा मन रोज आत्मा न शरीर। और जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः ही हो जाए। जितने मु शब्द को यूज करेगा ताद्वारा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्थिति ऑटोमेटिक आसीज। अच्छा आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ तो बहुत है, तो बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देता है सदा आबाद रहना। बाबा सामने को मन बसते यूथ ग्रुप मन बसते बाबा से पिला मन को आशीर्वाद दे सब बड़े आबाद रह। एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना और आबाद करना। गोटे भी ब्राह्मण मान संपत्ति जमती नष्ट न हो जाओ, सब बड़े सफल करिवार अच्छे और सफलतार मूरत हबार अच्छे। लेकिन गुरु लोग आशीर्वाद देते आयुष्मान भव। बाप दादा कहते शरीर की आयु तो जितनी है उतनी ही रहेगी,
इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव जेमती दुनिया लौकिक गुरु माने आशीर्वाद दौंते आयुष्मान भव बाबा के जो शरीर आयुष जी अच्छे से शरीर आयुष हिसाब रे बाबा आयुष्मान भव आशीर्वाद दौना तले आयुष्मान भव वरदान बाबा क्या दे ब्राह्मण जीवन रे आयुष्मान भव ब्राह्मण जीवन रे के भी मरी जाओ सब बड़े बंचे की रुह ब्राह्मण जीवन रे बाबा आयुष्मान भव आशीर्वाद दे क्यों ब्राह्मण से ही देवता बने बाबा कहले जो पर्यंत ब्राह्मण बनी नाते से पर्यंत देवता हो पारे तो आयुष्मान तो होंगे ना बाबा कहले सब दिन ब्राह्मण कि रहिब ना ब्राह्मण बनेबनी ब्राह्मण जीवन मृत्यु होते नहीं तो बाबा के आयुष्मान तो होंगे ना यूथ की एक विशेषता होती है आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो क्या विशेषता होती जानते हो ना क्या विशेषता है आप में जो चाहे वो कर सकते हो अच्छा है कर सकते हो ना यूथ मानकर विशेषता कोटा जोटा चाहिए सेटा करी पर तो बाबा की अच्छी बात है दुनिया के हिसाब से कहते यूथ जिद्दी बहुत होते हैं जो सोचेंगे वो करेंगे और दिखाएंगे दुनिया के हिसाब रे बाबा कहते यूथ माने बहुत जिद्दी अट जोटा भाभी सेटा करिवे और करिकी देखे वो लोग तो उल्टा कहते लेकिन ये ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है बाबा कहले दुनिया तो उल्टा कहते किंतु जो माने ब्राह्मण यूथ माने अच्छे कुमार माने से मन तो जिद्दी नुहते लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं निजर प्रतिज्ञा ने सब बोले पक्का रहा वाला आत्मा हटने वाले नहीं ऐसे हो यूथ हाथ उठाना बहुत सहज है बाप दादा खुश है हाथ उठाना है यह भी तो हिम्मत है ना लेकिन रोज अमृत वेले बाबा से की हुई प्रतिज्ञा हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं बाबा के लिए प्रत्येक दिन अमृत वेला रे बाबा पकड़े प्रतिज्ञा को मने रखियो को प्रतिज्ञा करछंते ब्राह्मण जीवन र प्राप्ति रे सेवा रे केबे भी विचार रे संकल्प रे भी हमको हटिबार ना इस हिम्मत को प्रतिज्ञा को रोज दोहरा और बार बार चेक करो हिम्मत जो रखी संकल्प किया वो प्रैक्टिकल में हो रहा है हमें जो साहस रखिले संकल्प रखिले बाबा कुछ प्रैक्टिकल रे हो ना नहीं ताको चेक कर गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है दुनिया गवर्नमेंट कौन कहे यूथ मैंने जो भल रूप से 2-4 लाख बनीगले तो भल हो तो बापदादा कहते ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाखों के समान है बाबा ने ब्राह्मण माने कुमार माने गोटे गोटे कुमार लक्ष लक्ष आत्मा से तो समान अटंते इतने मजबूत है देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया तो आ गई संस्कार आ गया समस्या आ गई बाबा ने एवं तो बाबा सामने बस पिला माने प्रतिज्ञा रे दृढ़ अच्छा कि घर को जाकि कौन लिखे कौन लिखिदेवे बाबा माया आसीगला समस्या आसीगला तो बाबा की समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो समस्या तो आसब जेतु कलीजुग अटे किंतु आमको केमती बनबार अच्छे समाधान स्वरूप समस्याएं तो आएगी लेकिन अपने से पूछो मैं कौन हूँ समाधान स्वरूप हूँ
या समस्या से हार खाने वाला हूँ। समस्या तो आसीब मु समाधान स्वरूप अटे ना समस्या द्वारा हार खाया वाला आत्मा अटे। को प्रकार आत्मा? समाधान स्वरूप आत्मा। तो आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन हो या हार खाने वाले रतन हो। विजयी रतन होना तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया है। तो अमर भव के वरदानी हो गए। ब्राह्मण जन्म मिलला पर प्रत्येक ब्राह्मण मन को बाबा मस्तक रे विजय र तिलक जेमते अमर ऊपर लगे दीछन अमर भव र वरदानी बने गले। अब ये अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कारों के बस नहीं होंगे। बाबा कल केवल मुखरे प्रतिज्ञा करो, नीचे निज सहित मनरे प्रतिज्ञा करो, मु कौन से संस्कार बसीबो थे बिने। जो बाबा का संस्कार है वो मुझ ब्राह्मण आत्मा का संस्कार होगा। जोटा बाबा रा संस्कार सेटा मोर संस्कार हब। जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वो मेरे संस्कार नहीं है। जोटा द्वापर कलयुग रा संस्कार सेटा मोर संस्कार नहीं, क्योंकि बाबा के संस्कार नहीं है ना। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है नहीं है ना। तो आप सब कौन हो? ब्राह्मण होना तो बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाच है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाच है। आज दादी माने मध्य का बल पहुँचे यूथ मान को। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार। आज बाबा कुमार मन को टाइटल दौंते सुकुमार। कुमार नहीं सुकुमार हो। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। गोटे गोटे कुमार विश्व प्रत्येक कुमार मन को परिवर्तन करिया वाला। अच्छा कुमारों को काम दे, हिम्मत है करना पड़ेगा। कुमारियाँ करेगी बाबा कुमार कुमारी मन को पचारे बाबा काम देवे। यदि बाबा काम देवे तो करिया को पड़ेगा। तो बाबा कहीं तो काम दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगली सीजन होगी। अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही सोशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार दस दस कुमार का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। बाबा को काम दिले कुमार मन को गोटे गोटे कुमार दस दस कुमार को रेडी करके बाबा सामना को आने। जमते बाबा रा हाथ रा कंगन बने के देवे। तो हाथों का कंगन पड़ता है ना। तो ब्रह्मा बाबा को सदैव हाथों में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के को लाना है। गोटे गोटे कुमार कितने जन को आने वे? दस दस जन को आने वे, किंतु पक्का पक्का को आने वे। तो बाबा की मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसा नहीं। ऐसा पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कर कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार है करेंगे इसे। थोड़ा सोचो, ऐसे हाथ नहीं उठा लो। करना तो पड़ेगा ही, बनना तो पड़ेगा। डबल फॉरेनर भी करेंगे ना। डबल फॉरेनर में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी दस तो लाएंगे ना। फॉरेन भी लाएंगे तो इंडिया वाला भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको बाबा इनाम देगा।
बाबा के फर्स्ट क्लास आर्फ मा बाहर करके बाबा पाख को आनिबे बाबा से पिल्ला मन को गिफ्ट देबे इनाम बढ़िया देगा घटिया नहीं देगा प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी, गवर्नमेंट मध्य खुशी के तो रोचे एमती कर कुमार मिली जीवे जो मैंने श्रेष्ठ कर्म करिया वाला पॉजिटिव कर्म करिया वाला। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार गोटे गोटे कुमार जो 10-10 कुमार को आनिबे तले बाबा को तो पूरा हॉल भरपूर हो जीव। तापर बाबा कौन कहले गवर्नमेंट को डाकिबा देखो इठरो कुमार मन को, लेकिन लाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी। बाबा के लिए निचोर स्थिति लक्ष्य और लक्ष्य तीन टा जाक जो समान बने दबा तले सेवारे सफलता हब ना नहीं, निश्चित रूप से हब। ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करना ही है, अच्छा है। मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया, अच्छा है। अभी खेल में खेल देखा जब बाबा स्टेज ऊपर बसते ले दी जन कुमार स्टेज को पड़े से मन को हटे ले तो बाबा के खेल भीतर जमते खेल हो। अभी तो बाप दादा कहते साखी होकर खेल देखा एंजॉय किया, अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। बाबा के लिए गुट्टे सेकेंड जहाँ भी सीन आस जो प्रकार भी दृश्य सामना को आस किंतु आम पिला मैंने देह टू पूरा न्यारा पावरफुल स्थिति रे आत्मिक स्वरूप रे स्थित हो पार जो प्रकार भी सीन आसे गोटे सेकेंड रे फुल स्टॉप रो मात्रा लगेवा। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराए, अच्छा है। यह अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए, अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा के लिए कार्य आसले तुरंत कार्य रु पूरा न्यारा साकारी रु निराकारी स्थिति रे स्थित हो जीवा। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई भी समस्या आती है ऐसे ही एक सेकंड में साखी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सेंस समझ तूफान को एक तोहफा समझ उसे पार करो। बाबा के लिए दिनों जाक भीतर बहुत अभ्यास करो, को अभ्यास कर कार्य कर ले एबे कार्य तो न्यारा साकारी शरीर ठार न्यारा निराकारी स्वरूप रे आत्मिक स्वरूप रे स्थित हो जाए तले जहाँ भी साइड से नस जहाँ भी परिस्थिति आस जिते बड़ भी तूफान आस ता भी तोहफा बनी जीव। बाबा तोहफा भाविकी ताको पार कर, अभ्यास तो है ना, आगे चलकर ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बाबा के आगे को जाए कि एमती अभ्यास रो बहुत आवश्यकता पड़े, गोटे सेकेंड हमको फुल स्टॉप लगेबार अच्छे, क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, हो गया फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जा। बाबा के जो कौन सी परिस्थिति आस प्रश्न बचे ना कौन पर कहीं जोटा है मत फुल स्टॉप मात्रा लगेबार अच्छे
आउ निज स्थिति को शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप स्थित करिवार अछि। समस्या नीचे रह जाएगी, आप अपनी ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। समस्या तले रहीजीव, आम निजर ऊंचा स्थिति रे स्थित है कि समस्या रूपक साइड सीन को देखिबा, ताद्वारा टिके भी हलचल हवानी। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाबा से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा मुरली रे कौन सुने चंते नन्नी माता जी बाबा के लिए जो प्रकार लक्ष्य रखी चंते मते सर्वगुण रे भरपूर हबार अच्छे षोहल कला संपूर्ण बनवार अच्छे। बाबा कहले संगम युग रे सबुजाक गुण शक्तिर खजणा रे निजक भरपूर कर, तेबे तो भविष्य रे हमको टाइटल मिलिज। को टाइटल मिलिबो? सर्वगुण रे संपन्न षोहल कला संपूर्ण। आज का वरदान, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। आज बाबा आशीर्वाद देले अनुभवी मूरत आत्मा हो। केमिति बनेबा? कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। कौनसी परिस्थिति रे डरिबा परिवर्ते अल्प समय पै भी हो से परिस्थिति को निजर शिक्षक बोले भाबेबा। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। जहाँ भी परिस्थिति सामना को आस से परिस्थिति दीटा शक्तिर आपको अनुभवी बनोज। दीटा शक्ति कौटा? एक है सहन शक्ति और दूसरा है सामना करने की शक्ति। सहुचंते ना परिस्थिति आसले तापरे ताको सामना करचंते। दीटा शक्तिर अनुभूति करोचे। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। कौनसी परिस्थिति रे ये दीटा पाठ जदि पढ़ी देले सहीबार सामना करिवार तले अनुभवी बनी गले। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, फिर परिस्थिति से घबराते क्यों हो? बाबा को जिन पिला मैंने कहते मो ट्रस्टी अटे, मोर किछि भी नहीं, जहाँ भी अच्छे सब बाबार अटे। तो बाबा को जिन हेले परिस्थिति द्वारा डरुच कौन पे? जोटि मोर पर नहीं मुँह पर नहीं सीटे डर तो आसवन। ट्रस्टी माना सब कुछ बाबा हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो तो अच्छा ही होगा। ट्रस्टीर अर्थ गोटे सब जगह बाबा को सरेंडर कर देले, समर्पण कर देले, तले जोटा हब भला का हब। यह स्मृति से सदा निश्चिंत और समर्थ स्वरूप में रहो। बाबा को सब समर्पण कर देले, दायित्व तो बाबा रटे, आग को जोटा हब भला का हब। ये स्मृति द्वारा आम स्थिति को निश्चिंत बनेबा और समर्थ स्वरूप स्थित करिपरिबा। आज स्लोगान होचे जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते।
ଯାର ମିଜାଜ ଯାର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ମିଠାଟ ଯାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ମିଠାଟ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବନି। ଆଜିର ସମାନ ହେଉଛେ ମେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଁ। ସାର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ ବନାଓ ସର୍ବ ଖଜାନୋ ମେ संपन्न बनो। अव्यक्ति सारा आज रो पॉइंट हो छे आधा कलप से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाबा और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती। आधा कल्प धर की जो भक्ति कले तार फल रूप रे कौन प्राप्त है ज्ञानर सागर बाबा मिलीगले अविनाशी ज्ञानर प्राप्ति हो गला। जिस ज्ञान से ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हो जो ज्ञान द्वारा हम ज्ञानी तो आत्मा बनी गले ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो। ज्ञानर सागर भितरे आ ज्ञानर संपत्ति भितरे पूरा हजी जीवा वाला आत्मा से मंत्र स्थिति केमती हम इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती है। जोटि बाबा पाखरे अछंते बाबा भितर हजी जाइछंते ज्ञानर खजणा रे हजी गले सेठि कोनसी इच्छा रहिवन कोनसी प्राप्तिर इच्छा रहिवन। आमर स्थिति केमती कर हम इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। इच्छा बोले कौन मत जनाका ना। ओम शांति।